हेलो एवरीवन, ट्रू इंग्लिश क्लासेस बाय रमेश में आपका स्वागत है। और दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अबाउट दिल्ली पुलिस, और मैं आपको बताऊंगा दिल्ली पुलिस के लिए कौन कौन सी बेस्ट बुक्स हैं जो हमें पढ़नी चाहिए ताकि कम टाइम में हम अच्छी तैयारी कर सकें। जैसा कि आप सभी को पता है, जो दिल्ली पुलिस का टेस्ट है वो 27 नवम्बर को है, ठीक है। 3 महीने हमारे पास हैं और जो पोस्ट हैं वो 5,846 हैं, ठीक है। 3 महीने हैं और इतनी पोस्ट के लिए हमें ये लड़ाई लड़नी है, तैयारी करनी है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, कोई भी लक्ष्य अपने सामने है तो उसके लिए हमें कुछ ऑब्जेक्टिव्स बनाने होते हैं और फिर वो टाइम निर्धारित करना होता है उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए, ठीक है। और उसके लिए टाइम डिसाइड कर लिया, ठीक है, ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिए, लेकिन जो राइट स्टेप हैं, सही कदम उठाने भी ज़रूरी हैं। तो ऐसा ना हो कि 3 महीने हमारे पास है, हमने सब कुछ तैयार कर लिया लेकिन पढ़ते कुछ और रहे, ठीक है। तो राइट बुक्स भी ज़रूरी हैं, मेहनत करना ज़रूरी है, लेकिन सही मटेरियल हम पढ़ रहे हैं ये जानना भी ज़रूरी है। तो इस वीडियो में मैं आपको अच्छी बुक्स बताऊंगा जो जिनके द्वारा आप आसानी से दिल्ली पुलिस का जो एग्ज़ाम उसको क्रैक कर सकते हैं। तो लीजिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि मैंने आपको बताया, आपको पता भी है, दिल्ली पुलिस 5,840 पोस्ट हैं, 27 नवंबर को ये टेस्ट है, इतना टाइम रहता है। अब क्या पढ़ें, ये बच्चों के सामने एक कई बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन रहता है, सर पढ़ें क्या, कहाँ से शुरू करें, ठीक है। तो जैसा कि पता है, 4 पार्टों में डिवाइड है अपना जो पेपर है, ठीक है। पहला जो है वो है जनरल अवेयरनेस, 50 मार्क्स का है, 50 मार्क्स का है। तो एक चीज़ तो क्लियर है, सबसे ज़्यादा फोकस अपना इसके ऊपर ही होना चाहिए, 50 मार्क्स के ऊपर होना चाहिए। कौन कौन सी किताबें पढ़ें, 3 बुक्स मैं आपको इसमें बताऊंगा। पहली है अरिहंत की, ठीक है, मनोहर पांडे राइटर हैं, ठीक है। दूसरी है ल्यूसेंट की, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, फॉर ऑब्जेक्टिव्स ल्यूसेंट की है, ये सब्जेक्टिव है, ठीक है, इसमें डिटेल में दिया गया है। अब सबसे पहले मैंने अरिहंत की मनोहर पांडे आपको क्यों बताई है, क्योंकि इसमें बेसिक क्वेश्चंस हैं। यदि आप डायरेक्ट ल्यूसेंट की बुक्स पढ़ते हो तो आप यू कांट अंडरस्टैंड, आप समझ नहीं पाओगे, ठीक है। तो उससे पहले बेसिक पढ़ना ज़रूरी है, अरिहंत की मनोहर पांडे आपके लिए ज़रूरी है। तो ये 3 बुक हैं जिनके द्वारा आप जनरल अवेयरनेस की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। करंट अफेयर्स की मैं अगली वीडियो में आपको अलग से बताऊंगा क्या करना चाहिए आपको। तो 50 मार्क्स पे आपने काफ़ी इस पर फोकस करना है। नेक्स्ट रीजनिंग 25 मार्क्स, ठीक है, सेकंड प्लेस पे है ये एज फार एज मार्क्स इज कंसर्न, ठीक है, दूसरे प्लेस पे आता है। तो इसके लिए आपको अरिहंत की बुक पढ़नी है, आर के झा की, ठीक है। और दूसरी जो बुक है मास्टर रीजनिंग बुक है ये, यानी यहाँ मैं आपको बताऊंगा अरिहंत की कोई भी बुक आप पढ़ सकते हो, किसके लिए, रीजनिंग के लिए, वो बेस्ट रहेगी। और बुक्स मैटर करती हैं, कितनी तैयारी करते रहें, बुक्स यदि हमने राइट चूज़ नहीं की तो इसमें गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। मेहनत तो सारे ही करते हैं लेकिन स्टडी मटेरियल क्या है ये भी मैटर करता है। नेक्स्ट जो थर्ड प्लेस पे है न्यूमेरिकल एबिलिटी, मैथमेटिक्स भी इसको हम कह सकते हैं, 15 मार्क्स का ये है, ठीक है। तो इसमें मेरी जो चॉइस है वो है डॉक्टर आर एस अग्रवाल का जो मैथमेटिक्स है, क्योंकि इसमें यदि आप परसेंटेज की क्वेश्चन देखते हो तो उसकी अलग अलग 400 टाइप्स के क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है। तो इस मेरे ख्याल से इससे बेस्ट मैथ है नहीं, हर टाइप का क्वेश्चन मिलता है और उससे बाहर पेपर में आना बड़ा मुश्किल है। नेक्स्ट जो मैं आपको बताऊंगा बेसिक कंप्यूटर, 10 मार्क्स का आता है। और बेसिक कंप्यूटर, जहाँ तक कंप्यूटर की बात है, कंप्यूटर बेसिक लेवल का ही पूछा जाता है, आसान सा पूछा जाता है, 6 या 7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके आंसर हर कोई दे देता है, ठीक है, जो इस लेवल पे गए हैं हर कोई वो आंसर उसका दे देता है। लेकिन 3-4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं मॉडरेट टाइप, जिनमें थोड़ा सा टाइम लगता है, जिनमें थोड़ा हमें अपना दिमाग चलाना पड़ता है। तो रहती इसकी बुक की बात है, तो इसके लिए आपको अलग से बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताई है ल्यूसेंट की ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, आप देखोगे इनके पीछे कंप्यूटर के लिए अलग से दिए गए हैं, ठीक है, उससे बाहर कुछ है नहीं, ठीक है। प्रैक्टिकल नॉलेज भी मैटर करता है कंप्यूटर में, लेकिन ये जो इसके पीछे जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दिल्ली पुलिस में आप सभी को पता है जो कंपटीशन है वो बड़ा ही टफ है, और नेगेटिव मार्किंग भी है 0.25, ठीक है, पर क्वेश्चन के साथ में ये नेगेटिव मार्किंग भी है। तो एक और मेरी जो एडवाइस है, जो नहीं आता वो आप छोड़ सकते हैं, ठीक है, तो ये वो छोड़ना ही चाहिए। तो ये जो बुक्स हैं वो आपके लिए
काफ़ी फ़ायदेमंद होगी, ठीक है, और कम टाइप में आप आसानी से अच्छी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, और इस कंपटीशन जो कठिन दिखाई दे रहा है इसको आसानी से पार कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में स्पेशली जो करंट अफेयर्स है उसके लेकर आऊँगा। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।